नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे यूपी नगर निकाय चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी महीने के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य दल भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। सीटों के आरक्षण और परिसीमन सहित मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य भी तकरीबन पूरा हो चुका है और इसे सार्वजनिक किया जाना बाकी है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं। इनमें शाहजहांपुर को हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है। इस बार शाहजहांपुर में नगर निगम के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 198 नगर पालिका परिषद और 493 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में मेयर यानी महापौर और पार्षदों को चुना जाता है, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद चुने जाते हैं। नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत नगर निगम के महापौर और नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं नगर निगम के पार्षद और नगर पालिका नगर पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए और पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक और 2 समर्थक होने चाहिए, जो उसी के संबंधित वार्ड के नगर निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता वोट डालते हैं। खास बात यह है कि नगर निकाय चुनाव के लिए इन मतदाताओं की सूची अलग से तैयार की जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की आबादी कितनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद की आबादी 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर यही आबादी 5,00,000 से ऊपर पहुंच जाती है तो वो नगर पालिका, नगर निगम बन जाता है। इसी तरह नगर पंचायत के लिए 11,000 से ऊपर की आबादी निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद में भी 3 कैटेगरी होती है। 20,000 से 50,000 तक के बीच की आबादी वाले नगर पालिका परिषद को क्लास 3, 50,000 से 1,00,000 तक के बीच के नगर पालिका को क्लास 2 और 1,00,000 से 5,00,000 तक के बीच की आबादी वाली नगर पालिका को क्लास 1 की नगर पालिका कहा जाता है। अगर हम वार्ड की आबादी की बात करें तो सामान्यतः एक वार्ड की आबादी 3,000 से 5,000 तक के बीच की होती है। कहीं कहीं ये आबादी 5,000 से कुछ ऊपर भी हो सकती है। कैसे होता है सीटों का आरक्षण, ये भी जान लीजिए। नगर निकाय चुनाव में हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम में किया जाता है, यानी जो सीट वर्तमान समय में आरक्षित है उसे अनारक्षित श्रेणी में किया जा सकता है, या जो सीट ओबीसी के लिए थी वो सामान्य या आरक्षित हो सकती है। कुल मिलाकर आरक्षण में चक्रानुक्रम प्रणाली का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उससे सीट पर हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।